गंगा जब धरती पर आई तो तुम सबको पता है कि भागीरथ जी लेकर आई, मालूम है ना? हाथ उठाना जरा, कितने लोगों को पता है भागीरथ जी लेके आए? आप सबकी जानकारी, भागीरथ जी का पूरा खानदान लगा हुआ था, कई पीढ़ियों से तपस्या कर रहे थे। भागीरथ जी का भाग्य और प्रारब्ध और ईश्वर की कृपा कि उनके नाम पर यह कार्य लिखा गया। जब माता गंगा आने को तैयार हुई तो उन्होंने सबसे पहले एक बात कही, मैं धरती पर जाने को तैयार हूं भागीरथ, लेकिन एक बात बताओ, मुझे संभालेगा कौन? मुझे संभालेगा कौन? मुझे अगर मैं ऐसे ही चली गई तो ये धरती भी नीचे पाताल पे चली जाएगी, मेरा वेग कोई संभाल नहीं पाएगा। तो मैं इसका पहले कोई माध्यम ढूंढो, कोई इसका तरीका तो निकालो। कहते हैं भागीरथ जी ने देवादिदेव महादेव को प्रसन्न किया और पहले गंगा को महादेव ने अपनी जटाओं में स्थान दिया और एक बाल छोड़ दिया जिससे पूरा का पूरा समूचा भारत गंगा स्नान करके अपने को पवित्र और पावन बनाता है। केवल एक बाल,